हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एचआर गेमिंग की नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 मोड। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसे अपनी गेम में डालकर खेल सकते हैं, मतलब डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और इसे अपनी गेम में इंस्टॉल करके कैसे खेल सकते हैं। अगर आप ये सारा कुछ जानना चाहते हैं, वो भी हिंदी में, तो मैं आपको बताऊंगा। पर आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना पड़ेगा आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, जिससे आपको हमारी नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे और आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। अब पहले आप महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 के फीचर्स देख लीजिए और ड्राइविंग टेस्ट देख लीजिए कि कैसे ये चलती है और क्या क्या इसमें फीचर दिए हुए हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इसको डाउनलोड करके अपनी गेम में कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे आप खेल पाएंगे। तो चलिए पहले देख लीजिए कार के फीचर्स। तो जब दोस्तों आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस वीडियो पे पहुंच जाओगे। अब आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मोड लिखा हुआ दिख जाएगा, प्रीमियम मोड, क्रोम मोड, टेम्पलेट एंड स्किन। अब आप प्रीमियम मोड पे क्लिक करोगे तो ये आपको मोड फॉर यू की साइट पर लेके जाएगा और ऐसे ही जब आप स्किन पे क्लिक करोगे तो आपको ये मोड फॉर यू की साइट पर लेके जाएगा। वहाँ से आप कैसे फाइल को डाउनलोड कर सकते हो तो उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है और ये वीडियो देख सकते हो, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मोड फॉर यू से डाउनलोड कैसे करते हैं फाइल को, मोड और स्किन की फाइल को। तो आप वो वीडियो देख लेना और वहाँ से सीख लेना, फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब दोस्तों मैं आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 को अपनी गेम में डाल के दिखाऊंगा कैसे आप इसको अपनी गेम में डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इंटरनेट को ऑन रखना है, फिर आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मोड बटन, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ इम्पोर्ट बटन, उस पर क्लिक करना है। फिर ये आपको फाइल मैनेजर में लेके जाएगा। अब जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है कार की, उसे वहाँ से इम्पोर्ट कर लेना है। मेरे वाले में डाउनलोड में है, देख सकते हैं दोस्तों, महिंद्रा स्कॉर्पियो S11, इस पर क्लिक करेंगे। और जब यहाँ पे आप फ्री पे क्लिक करोगे दोस्तों तो आप ऐड आएगी, उस ऐड को आपको स्किप नहीं करना है। तो अगर आप स्किप कर देंगे तो वो मोड ऐड नहीं हो पाएगा, तो ध्यान रखें इस बात का, आपको ऐड आएगी उसको स्किप नहीं करना है। मैं सिर्फ वीडियो को एडिट कर दूँगा। देख सकते हैं दोस्तों ये फाइल ऐड हो चुकी है, न्यू लिखा हुआ है महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू। अब आपको टू गैरेज पे जाना है। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है और अपनी फाइल को ढूंढना है, मतलब कार को ढूंढना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये वाइट कलर में आएगी जब आप इसको गेम के अंदर डालोगे। अब यहाँ पे नीचे यूज बटन दिया हुआ ग्रीन कलर का, उसको क्लिक करना है आपको। तो ये फाइल ऐड हो चुकी है। अगर आप इसको ब्लैक कलर करना चाहते हैं या और कलर करना चाहते हैं तो इसकी स्किन जो आपने डाउनलोड की थी वो उसको इस पे लगाना होगा। उसको लगाने के लिए आप यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना होगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे ब्राउज लिवरी बटन है, उस पर क्लिक करेंगे और ये आपको डिवाइस गैलरी, अपनी गैलरी में लेके जाएगा। तो मेरे वाले में ये ब्लैक कलर की स्किन पड़ी हुई है, यानी कि ब्लैक कलर की लिवरी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करेंगे तब भी ऐड आएगी, आपको ऐड को स्किप नहीं करना है। तो फाइनली ये कार ऐड हो चुकी है।
अब आप इस गेम को खेल सकते हैं। तो ये कार ऐड हो चुकी है दोस्तों, अब आप गेम खेल सकते हैं और आप इंटरनेट को ऑफ भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।